एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग से कुरान। जो हमारी ये बैक टू बैक सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वी आर मेकिंग श्योर कि हम लोग सिस्टमिक सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट भी रादर आपके साथ डिस्कस कर सके। एंड वट एवर रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग, ऑनेस्टली इट हैज़ बिन रियली गुड। आप में से कुछ काफ़ी डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं जो बैक टू बैक इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, अपने कॉमेंट्स शेयर कर रहे हैं। यू गाइज आर शेयरिंग योर ओपिनियन ऑन अ डेली बेसिस। मैं आपको एक रिमाइंडर करवा देती हूँ, जो YouTube पे हमारा चैनल है विंग्स ए कुरान, आप जब वहाँ पे जाएंगे सब्सक्राइब करके, वहाँ पे प्लेलिस्ट पे, आई विल जस्ट शो इट टू यू, प्लेलिस्ट पे जब आप यहाँ पे जाएंगे, यू विल फाइंड JKSSB के रिलेटेड सारे ये हमारे जो वीडियोस हैं, यू विल फाइंड इट देयर। यू हैव सीन अभी तक 70 अपलोड हो चुकी हैं। वी आर मेकिंग श्योर रोज़ यहाँ पे हो जाए। जो हमारे इनिशियल वीडियो से, आई वुड से जो एक डेढ़ महीने तक हमारी वीडियोस चली, देवर प्रॉपर एग्ज़ाम ओरिएंटेड, चाहे वो FAA के रिलेटेड हो, PSI के रिलेटेड हो, SI हो, सो स्टेनोग्राफर हो, जो भी हो, बट यहाँ से आई विल इधर से जो हमारी वीडियोस जा रही हैं बैक टू बैक, दे हैव बीन स्पेसिफिक, चाहे वो हिस्ट्री ओरिएंटेड हो, ज्योग्राफी, JNK की idioms हैं, साइंस का है, शॉर्ट फॉर्म्स का है। वी हैव मेड श्योर जैसे फंडामेंटल राइट्स और पॉलिटी के अलग अलग क्वेश्चन, जुडिशरी इसके क्वेश्चंस अलग से आए, इकोनॉमिक्स के भी मैंने बनाए हैं, और इंग्लिश जैसे प्रेपोजिशन ओरिएंटेड भी है। और इसमें भी आप में से काफ़ी लोगों ने मेरे को कमेंट पास किया हुआ था ऑन दिस, दैट जैसे मैं कुछ एक्टिव पैसिव की वीडियोज़ ले आऊँ, या यू नो मोर सच, जैसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स आते हैं उनके रिलेटेड भी। सो वी आर मेकिंग श्योर कि हम जितने भी आप अपना ओपिनियन शेयर करें, हम वैसे वीडियो बनाते रहे। नाउ कमिंग टू टुडेज वीडियो, लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, SDG रिलेटेड बहुत बार आते जाते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट इन एवरी एग्जाम। नॉट पूछा गया है, बताइए। लाइफ बिलो वाटर, न्यूक्लियर पावर, जेंडर इक्वालिटी, नो पावर्टी, इट इज़ ईजी, बताइए इसका आंसर क्या है। ऑल्सो एट द एंड ऑफ द वीडियो कॉमेंट सेक्शन पे अपना स्कोर लिखिए। वी आर मेकिंग श्योर, हम रोज़ आपके स्कोर्स नोट कर रहे हैं। सम ऑफ यू हैव बीन वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर स्कोर्स, विच इज़ अ गुड थिंग। सो साथ साथ बताइए इसका आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर हियर ऑफकोर्स इज न्यूक्लियर पावर। ये कभी भी एक सस्टेनेबल गोल की जब हम बात करते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड जब हम बात करते हैं फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, वी नेवर टॉक अबाउट न्यूक्लियर पावर। अब सस्टेनेबल गोल्स को किसने अडॉप्ट किया था? यूनाइटेड नेशंस, एज अ कॉल ऑफ एक्शन टू एंड पावर्टी एंड प्रोटेक्ट द प्लैनेट बाय 2030। सो आप जब भी SDGs के रिलेटेड न्यूज़ सुनते हैं, SDG 2030 आप हमेशा सुनते हैं, दैट इज़ द गोल। ऑल्सो जब भी कुछ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट अपने कोई भी स्कीम्स निकलवाती हैं, कोई भी अपना टेक्निक निकालते हैं, उनकी ऑफिशियल जो हेडिंग रहती है, नॉट हेडिंग, ऑफिशियल जो रिस्पॉन्स उनका रहता है, दे ऑलवेज मेक श्योर कि वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो सके। अब देर आर कितने, देर आर 17 SDGs। कुछ मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, जैसे नो पावर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेल बींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, रिड्यूस इन इक्वालिटी, कुछ ऐसे ये है। एंड ऑफकोर्स देर आर टोटल 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लेशन इज द इन्फ्लेशन रेट दैट एक्सक्लूड्स टेम्प्ररी वॉलेटाइल फैक्टर्स सच एज एनर्जी एंड फूड प्राइसेज। इन्फ्लेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आते हैं, इंपॉर्टेंट है। कोर वेज पुश, इम्पोर्टेड कॉस्ट इन्फ्लेक्शन, बताइए इसका आंसर क्या है। द करेक्ट इज कोर इन्फ्लेशन। इकोनॉमिस्ट कोर इन्फ्लेशन तब यूज़ करते हैं या तब डिफाइन करते हैं एज ए मेजर, जब उनको CPI करना होता है मेजर, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स करना होता है, GDP डिफ्लेक्टर, और इसमें एक्सक्लूड क्या करते हैं, वॉलेटाइल, दैट मीन्स ड्यू टू सम रीजंस, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से क्रॉप इन्फ्लुएंस हो गया, या कुछ फ्लक्चुएशंस इन ऑयल सप्लाई हो जाती हैं, दीज आर यू वॉलेटाइल फैक्टर्स, सो दैट इज़ अ कोर इन्फ्लेशन। Inflation. Next, which of the following technique is used in economics to get market demand curve? Okay, simple question है, अब आपको मेरे को बताना है। मैं आपको पहले hint देती हूँ, A और B में से इसका answer है, या horizontal, vertical, equilibrium, या interdependence. The correct answer here is, बताइए, horizontal. Horizontal summation क्या रहता है? Of all individuals demand curves is known as a market demand curve. ये क्या indicate करता है? Different quantities of a commodity that all buyers in the market are ready to buy. All buyers in the market
आर रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, नेक्स्ट, विच ट्रांजेक्शन इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के रिलेटेड, चाहे वो कैपिटल है या करंट है. एक टेबल बनाइए और उसमें बताइए, पहले अपने याद करके रखिए कि इसमें क्या आ जाता है चार्ट बना के और इसमें क्या आ जाता है चार्ट बना के. इट विल हेल्प यू अ लॉट. सेल, ट्रांसफर ऑफ पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर हेयर ऑफ कोर्स इज डी. कैपिटल अकाउंट क्या करता है, ट्रांजैक्शंस लेता है आपकी विच हैज़ अ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ कंट्री या सरकार की विद रिगार्ड टू आउटसाइड वर्ल्ड. ओके, इसमें एग्जाम्पल्स क्या हो जाती है, बोरोइंग्स इन लेंडिंग्स टू एंड फ्रू फ्रॉम अब्रॉड. इन्वेस्टमेंट आ जाती है, ऑफकोर्स वेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट तो अंदर या बाहर दोनों से. एक्सचेंज इन फॉरन एक्सचेंज सर्विस, चेंज इन फॉरन एक्सचेंज सर्विसेज, ये सब एड हो जाता है. Which of the following is not a suitable method of privatization? अब बहुत बार आप आज के टाइम भी बात होती है रिगार्डिंग privatization. हमारे कुछ पॉलिटिशियंस हैं वो बार बार बात करते रहते हैं, सरकार ने सब बेच दिया प्राइवेट को, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को सब कुछ बेच दिया. अब आप बताइए privatization क्या होता है और इसमें से क्या नहीं है. Leasing, disinvestment, franchising, public action. Privatization क्या रहता है, method of transfer of public assets. Method of transfer of public assets to private ownership. That could be any company. So simple, public action is not part of it. ये सब चीज़ें of course privatization के बहुत important parts हैं. Leasing, disinvestment, हमने airlines के related news देखी है. Which sources of funds is classified as bank's liabilities? Now again, bank की liabilities और assets क्या रहती हैं उनकी भी अलग से बनाइए. Fixed assets, deposit, investment in government securities या advances. It's easy but ध्यान से option समझिए. The correct of course is deposit. ये हमेशा bank की liabilities रहती हैं. Assets में क्या रहता है, something that bank owns, जो उसमें loans, securities या reserves आते हैं. Liabilities, that means bank owes it to someone else. वो क्या आपका deposit या bank borrowing from other institutions. Liabilities. Which transaction is included in the current account of balance of payments? ठीक, पहले हमने capital का किया, अब हम current का कर रहे हैं. Export and import of goods, export and import of services, unilateral transfers, all of the above. I think कुछ questions ये बहुत ही direct पूछे जा रहे हैं आपसे वहाँ पे. Anyway, it's a previous year question. So, इसका answer क्या है? Of course, all of the above. Current account transaction में क्या क्या आता है? Various type of payments, जो associated है आपके foreign trade से. General business activities, short-term banking, credit facilities. Who among the following played an important role in the Green Revolution program under which agriculture in India increased its yields due to improved technology? Very honestly, this is very ironic कि आज question में आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आज ही के दिन इस great personality की death भी हुई है. Dr. M.S. Swaminathan, Dr. C.N.R. Rao, Dr. E. Sriharan, Dr. K. Radhakrishnan, of course, the great man, Mr. M.S. Swaminathan. He was a famous agricultural scientist and also known as father of Green Revolution in India. Aaj hi ke din inki death hui hai. Aap news padhiye inke baare mein. This questions becomes important. So, alag alag tarike se agar koi pucha jaye Green Revolution ke related, to aap isme answer kar sakte hain. Through Green Revolution, aap wo bhi yaad karke rakhiye ki kaun si areas mein ये ज़्यादा इसका इम्पैक्ट रहा था, सक्सेसफुल रहा था, एरियाज भी कौन कौन से क्रॉप्स भी इसमें इंक्लूडेड थे. दिस विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगराइज एज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. ओके, अब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या रहता है, मनी स्पेंट बाय सरकार on development and welfare programs. Development and welfare programs, as the name suggests. Ab not mein kya kya jata hai, expenditure on education infrastructure, expenditure on health infrastructure project, expenditure on defense, expenditure on science and technology. The correct answer of course is expenditure on defense. Expenditure, development expenditure mein kya kya aata hai aapka, jab jahan pe sarkar spend karti hai, जैसे मेंशन वेलफेयर, तो उसमें रेलवेज, पावर, हेल्थ, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी,
ये सब आ जाता है, नॉट इन डिफेंस, इसको नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में हम करेंगे. लास्ट क्वेश्चन गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रेफर टू द एक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक एक्ट पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स सच एज प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, कॉर्पोरेट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी. ए और बी में से आंसर है, आप बताइए इसका क्या आंसर है. द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स इज मॉनिटरी पॉलिसी. ये अचीव करती हैं आपकी जैसे प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ. जो फिस्कल है दैट डील्स विद, वो डिस्क्राइब करती है गवर्नमेंट के टैक्स एंड स्पेंडिंग पॉलिसीज. सो फिस्कल को आप फादर भी याद कर सकते हैं, मॉनिटरी को मदर भी याद कर सकते हैं. आपको पता चल जाएगा फादर क्या हैंडल करता है घर पे एंड मदर क्या हैंडल करती है घर पे, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं. ओके, दीज गाइज विद द क्वेश्चंस. लाइक आई सेड, आवर कॉमेंट सेक्शन आर ओपन, कीप ऑन शेयरिंग योर व्यू पॉइंट्स. आपको और किस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए, बिकॉज दीज आर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्पेसिफिक टॉपिक ओरिएंटेड भी है, वी आर वेलकम टू डू दैट. सो डू लेट अस नो एंड कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग द वीडियो. थैंक यू.